चैनल, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको इजी एंड क्विक रेसिपी बताऊंगी चिकन सैंडविच की, जो कि बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत अच्छी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ें हमें चाहिए वो देख लीजिए। ये चिकन ब्रेस्ट था, मैंने इसको बॉईल करके श्रेड कर लिया है। अगर आपके पास थाइज हैं तो आप वो भी बॉईल कर सकते हैं। होल चिकन है तो उसको भी बॉईल करके इस तरह श्रेड कर लेना है। एक कैप्सिकम इसमें डलेगी जो मैंने छोटी छोटी काट ली है। रेड बेल पेपर है, एक स्मॉल अनियन है, इसको भी मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है। ब्रेड स्लाइसेस, मोजरेला चीज़ श्रेड की हुई, मेरे पास चेडर चीज़ श्रेड की हुई नहीं थी तो मैं उसके चेडर के स्लाइसेस डालूंगी। थोड़ा सा बटर इसमें यूज़ होगा। ये मायोनीज है, ये ऊपर मैंने ब्लैक पेपर डाली है, सिर्फ सिंपल मायोनीज है, उसमें ब्लैक पेपर को मिक्स करना है आपने और थोड़ा सा इसमें ऑरिगेनो डालना है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट और खुशबू आएगी। चिकन को रेडी करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो है अनियन, चिकन विनेगर, वाइट विनेगर, सोया सॉस, सॉल्ट एंड पेपर। तो चलिए पहले हम चिकन रेडी कर लेते हैं। तो चलिए अब हम पहले अपना चिकन बना लेते हैं। ये मैंने इसमें एक टेबलस्पून बटर डाला है और हम इसमें ये प्याज डाल देंगे जो हमने काट के रखा था। इसको मिक्स करेंगे। जब प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसको हमने ब्राउन नहीं करना, जब ये प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा तो हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। ये देखिए प्याज जो है वो हल्की सी नरम हो गई है, इसको हमने बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना। अब हम इसके अंदर ये चिकन ऐड कर देंगे। ये देखिए चिकन ऐड कर दिया, इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे सोया सॉस, वाइट विनेगर, मिक्स करेंगे। सोया सॉस की वजह से थोड़ा सा चिकन का कलर चेंज होगा, ये देखिए। और अब हम इसके अंदर डालेंगे सॉल्ट एंड पेपर। बहुत ज़्यादा ये स्पाइसी नहीं होगा, क्योंकि बच्चे अगर खाएंगे तो उनको स्पाइसी नहीं पसंद आएगा, तो इसलिए हम ज़्यादा स्पाइसी इसको नहीं बनाएंगे। ये देखिए ये मिक्स हो गया। अब हम इसके अंदर डाल देंगे कैप्सिकम, ग्रीन और रेड दोनों, और इसको मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, बस ये सिरके का और ये थोड़ा सा अपना टेस्ट इसका वो हो जाए मिक्स इसके साथ, तब हम इसको बंद करके और ब्रेड स्लाइसेस में रखेंगे। ये देखिए चिकन हमारा रेडी हो चुका है। बटर की और ये कैप्सिकम की बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। इस पॉइंट पे हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब हम इसको रेडी करेंगे ब्रेड स्लाइसेस के साथ। चिकन हमारा रेडी हो चुका है और ठंडा भी हो चुका है। अब हम सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। एक ब्रेड स्लाइस लिया, सबसे पहले हम उसमें ये चेडर स्लाइस रखेंगे। अगर आपके पास श्रेडेड होगी तो आप वो डाल लीजिएगा। ये रखें, ये मायोनीज जो मैंने तैयार की थी, इसमें मैंने सिर्फ ब्लैक पेपर डाली है और थोड़े से ऑरिगेनो डाला है, जिससे बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आएगा। ये इस पर हल्का सा लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे, हल्का सा भी बिल्कुल इसको लगाएंगे। अब हम इस पर यहाँ पे चिकन रखेंगे। ये बहुत टेस्टी बनेंगे, आपके बच्चों को ज़रूर पसंद आएंगे। आप उनको लंच बॉक्स में भी बना सक के दे सकती हैं, आप लोग खुद टी टाइम पे खा सकती हैं, ये बहुत टेस्टी लगेंगे। इसमें आप कॉर्न भी डाल सकती हैं, अगर आपके पास कॉर्न हो तो आप इसमें कॉर्न भी ऐड कर सकती हैं। ये देखिए ये रख दिया अब हमने इसमें। अब हम इसमें थोड़ी सी मोजरेला चीज़ डालेंगे ऊपर से, ना ये बहुत ज़्यादा हैवी होंगे और खाने में भी मज़े के लगेंगे आपको। ये देखिए इसके ऊपर हल्की सी फिर से मायोनीज, हल्की सी, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और दोबारा ब्रेड स्लाइस इसके ऊपर रखेंगे। इसी तरह बाकी भी हम सारे बना लेंगे और फिर उसके बाद इसको मेकर में कुक कर लेंगे। तो चलिए मैं पहले सारे बना लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि मेकर में आपने इसको कैसे बनाना है। ये देखिए सैंडविच बना के मैंने रख ली है। अब हम इसको
मेकर में रखेंगे। मैं एक ग्रिल वाला इसमें डिज़ाइन दूंगी, आप चाहें तो ट्रायंगल वाला भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने इसको हल्का सा बटर से ग्रीस कर ली है, थोड़ा सा और बटर हम इस पर लगाएंगे ऐसे, और अब हम इसके ऊपर ये अपने सैंडविच रखेंगे। थोड़ा सा बटर अब हम इसके ऊपर ब्रेड के ऊपर लगाएंगे। आप ब्रेड के ऊपर भी डायरेक्ट बटर लगा सकती हैं और आप मेकर के पे भी लगा सकती हैं। ये देखिए, ये इसके ऊपर मैंने दोनों तरफ बटर जो है वो लग चुका है। अब हम इसको कवर कर देंगे, 5 मिनट बाद मैं आपको दिखाऊंगी ये रेडी होंगे। सैंडविच हमारे रेडी हो चुके हैं, मैंने इसको कट कर लिया है, 2 पीसेज में किया और 4 में। 4 इजी होंगे फॉर किड्स, ताकि उनको खाने में आसानी हो। ये देखिए बहुत टेस्टी बने हैं। इसको आप केचप के साथ इंजॉय करिए और अपनी टी के साथ इंजॉय करिए। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ और आप सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए। सैंडविच भी और बहुत सी वैरायटीज़ में बनता है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।